कार्तिक मास की पूर्णिमा है, इसको लेकर करनाल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों की जहां पर आज हवन यज्ञ किया गया। इस समय हम खड़े हैं करनाल के कुंजपुरा रोड पर सनातन धर्म मंदिर। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो करनाल शहर के तमाम लोग हैं वो पहुंचे थे, पूर्ण आहुति के साथ यहाँ पर हवन कुंड के अंदर हवन किया गया, यज्ञ किया गया। हमारे साथ सुनील चावला जी मौजूद हैं, सनातन धर्म मंदिर के प्रधान हैं। क्या कहना चाहेंगे, कार्तिक मास की जो पूर्णमासी होती है उसका क्या महत्व होता है, लोग इस पूर्णमासी के दौरान क्या क्या करते हैं? जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सनातन धर्म मंदिर की सभा की पुरानी परंपरा है ये, कि पुरुषोत्तम मास यानी कि त्योहारों का मास, ये कार्तिक मास हर वर्ष सालों पर आ रहा है। इसमें इस दौरान 31 के 31 दिन हवन यज्ञ होता है। इसको सारे हिंदू समाज में, पूरे सनातन धर्म में इस ऐसी परंपरा है, पूरे 31 दिन हवन यज्ञ किया जाता है और पूर्णमासी को इस दिन समापन किया जाता है। हर महीने पूरे महीने में कोई ना कोई त्यौहार चलता है, दिवाली, दशहरा, भैया दूज, करवा चौथ, ऐसे जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं सारे वर्ष के, वो इस महीने में आते हैं। और सनातन धर्म की परंपरा रही है शुरू से ही, इस मंदिर की परंपरा रही है, इस त्यौहारों को सब विधिवत मनाया जाता है। इसी दौरान कार्तिक की कथा में श्री महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी ने भी 4 दिन के लिए कथा की यहाँ पर, उनका भी समापन हुआ, कथा का समापन किया। और आज उसी मंथ महीने का जो हवन करके आज समापन किया गया। इस हवन का पुण्य फल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो पूरा महीना आता है उसका तो पुण्य मिलता ही मिलता है, और जो समापन पर भी आ गया उसका पुण्य सभी को मिलता है। मैं अपनी तरफ से और सनातन धर्म सभा की तरफ से सभी करनाल वासियों की कुशलता की कामना करता हूँ और प्रभु से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सभी करनाल वासी, सभी भारतवासी ऐसे ही धार्मिक त्यौहारों को मनाते रहें और भारतवर्ष की तरक्की में इसी तरह सहयोग करते रहें। तो आपने देखा कि बता रहे थे कि पूर्णमासी आज है कार्तिक मास की और पूरा महीना हवन यज्ञ किया जाता है, कथा की जाती है, अलग अलग मंदिरों की हमने आपको तस्वीरें दिखाएं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।